जहां दसों दिशाओं से संत महात्मा का आगमन हो, भक्ति और समर्पण जहां तन मन को आंदोलित कर दे, ऐसे कुंभ में आपका स्वागत। कुंभ विश्व के प्राचीनतम पर्व में से एक है। बिना आमंत्रण के इतने लोगों का एक जगह पर इकट्ठा होना वाकई अद्भुत है। देश विदेश, धर्म भाषा रंग जाति पाति सब भूलकर संगम की ओर बढ़ता जन सैलाब अपने आप में एक वर्णन है, एक चित्रण है। सुरक्षित कुंभ के लिए हमारी एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है, जिसमें एडवांस प्लानिंग, ह्यूमन एंड टेक्निकल इंटेलिजेंस, एरियल सर्वलांस, काउंटर टेरर मेजर्स, इमरजेंसी सर्विसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट और क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस शामिल है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2017 में कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है। कुंभ 2019 में 12 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में उत्तर प्रदेश सरकार कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और उत्तर प्रदेश पुलिस इसे सुरक्षित कुंभ बनाने के लिए कमर कस के तैयार है। जनपद प्रयागराज की पुलिस सभी लोग जो कुंभ में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं, उन सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती है। 3200 हेक्टेयर में 12 करोड़ तीर्थयात्रियों की सुरक्षा एक चुनौती से कम नहीं। इस चुनौती से निपटने के लिए सुरक्षा के 3 कॉर्डन बनाए गए हैं, जिसमें कुंभ मेला, प्रयागराज पुलिस और तीसरी लेयर में बाहरी जनपद मोर्चा संभालेंगे। कुंभ की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए कई कंटिंजेंसी चेकिंग स्कीम्स बनाई गई हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक इंटेलिजेंस, एरियल और सीसीटीवी सर्विलेंस, ICCC कंट्रोल रूम द्वारा भीड़ की निगरानी, आतंकी हमले से निपटने के लिए UPATS मेला क्षेत्र में बॉम्ब डिस्पोजल, स्निफर और स्नाइपर स्क्वाड, AS चेक टीम, एंटी माइंस टीम स्पॉटर के साथ साथ नियुक्त रहेगी। महिला सुरक्षा के लिए महिला पुलिस थाने एवं विमेन पावर लाइन 1090 को सक्रिय किया गया है। कुंभ के 40 स्थानों पर एक QRT टीम होगी, जिसे ATS द्वारा ट्रेन किया जाएगा। कुंभ मेला में हम लोग UP 100 के जो गाड़ी है, जो हमारा इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसको विशेष रूप से हम लोग एक्टिवेट किए हैं। इस बार यूपी पुलिस की सबसे बड़ी प्राथमिकता है सुविधापूर्ण ट्रैफिक मैनेजमेंट। वन वे डाइवर्जन और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से कोऑर्डिनेशन के द्वारा ट्रैफिक को व्यवस्थित किया जा रहा है। ICCC में ट्रैफिक की मॉनिटरिंग, क्राउड एनालिटिक्स और इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट से एक वर्ल्ड क्लास ट्रैफिक अरेंजमेंट की पूरी तैयारी है। सभी 95 पार्किंग स्थल जियो टैग्ड होंगे, जिनमें 18 पार्किंग स्थल को सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। जो हमारे सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, उन पर हम लोगों को चेक करके ही जाने देंगे। हम उस पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स लगा रहे हैं, बैगेज स्कैनर्स लगा रहे हैं। संगम स्नान में सुरक्षा एवं सुविधा के मद्देनजर 11 किलोमीटर में फैले हुए 41 घाटों पर 22 पॉन्टून पुल बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए थर्मोप्लास्टिक फ्लोटिंग ब्लॉक्स की बैरिकेडिंग, नावों को टकराने से रोकने के लिए रिफ्लेक्टिव रिवर लाइन, नावों पर चढ़ने के लिए थर्मोप्लास्टिक फ्लोटिंग जेटी, जीवन रक्षक दवाओं से युक्त 3 वाटर कंट्रोल रूम, रात्रि स्नान एवं परिगमन के लिए आस्का लाइट का प्रबंध किया गया है। बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हम लोग खरीद रहे हैं जो लाइव बॉय कहलाते हैं, कि तत्काल यदि कोई व्यक्ति डूब रहा है तो 5 से 10 सेकंड के अंदर वो लाइव बॉय वहां तक पहुंच जाएगा, रिमोट से ऑपरेट होगा और वो व्यक्ति को डूबने से बचाया जा सकता है। आगजनी से किसी भी प्रकार के नुकसान को रोकने हेतु हाई प्रेशर वाटर मिस्ट बाइक और जीप, एडवांस रेस्क्यू टीम और 4200 फायर हाइड्रेंट से पूरे कुंभ को फायर प्रूफ किया जा रहा है। अग्नि सुरक्षा मित्र एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों में अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है। कुंभ 2019 में पारंपरिक पब्लिक एड्रेस सिस्टम के अलावा
इस बार डिजिटलाइज्ड खोया पाया केंद्र बनाए जा रहे हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड रहेंगे। खोए पाए व्यक्तियों की जानकारी वेबसाइट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से भी दी जाएगी। रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर LED स्क्रीन मौजूद रहेगी। यूपी पुलिस सुरक्षित कुंभ को एक शिष्ट कुंभ भी बनाना चाहती है और यहाँ पर तैनात सभी पुलिस कर्मियों को सॉफ्ट स्किल्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वो एक विनम्र व्यवहार श्रद्धालुओं से कर सके। कुंभ यात्रा के लिए 40% यात्री रेल मार्ग का प्रयोग करते हैं। मेले के दौरान प्रमुख पर्वों पर 800 से अधिक मेला स्पेशल ट्रेन का प्रबंध किया गया है। मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सहायता के लिए डेडिकेटेड हेल्पलाइन 1920 का यूपी पुलिस की इमरजेंसी हेल्पलाइन यूपी 100 से इंटीग्रेशन कर यूपी 100 का रिस्पॉन्स टाइम न्यूनतम कर 5 से 8 मिनट कर दिया गया है। मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए 50 फोर व्हीलर्स और 200 टू व्हीलर्स को अतिरिक्त लगाया गया है। कुंभ मेला पुलिस पहली बार सोशल मीडिया, वेबसाइट और ऐप के माध्यम से श्रद्धालुओं से जुड़कर उनकी हर समस्या का समाधान करेगी। 72 देशों के हेड्स ऑफ मिशन द्वारा कुंभ का भ्रमण कर संगम तट पर अपने राष्ट्र का ध्वज फहराया गया। हेड्स ऑफ मिशन समस्त तैयारियों को देखकर बहुत उत्साहित हुए और उन्होंने अपने देश के नागरिकों के साथ कुंभ के दौरान आने का निर्णय लिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कुंभ के स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन कर गंगा आरती में भाग लिया और मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को अपनी शुभकामनाएं दी। अक्षय वट और सरस्वती कूप का जनता के दर्शन के लिए खुलना इस भव्य कुंभ को और भी दिव्य बना देगा। उत्तर प्रदेश पुलिस धर्म और श्रद्धा के सबसे बड़े संगम कुंभ 2019 को दिव्य और भव्य के साथ सुरक्षित बनाने के लिए समर्पित है।